मनुष्य में नकल करने की प्रवृत्ति है। वो ये देखता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और हम भी वैसी ही हरकत करें, भले हमारी स्थिति परिस्थिति क्षमता या हमारा प्रभाव दूसरे प्रकार का क्यों ना हो। जबकि होना ये चाहिए कि, और सोचना भी यही चाहिए कि लोग क्या करते हैं उसकी बात नहीं, हमें क्या करना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसे हैं संसार में जिनकी गतिविधियां इस योग्य नहीं है कि उनका अंधानुकरण किया जाए, इसलिए जो उचित है वही करना चाहिए। पिछले दिनों क्या होता रहा है उसको सही मान लेना सर्वथा गलत है, क्योंकि जो आज की परिस्थितियों के साथ तालमेल खाता है उसी को माना और अपनाया जाना चाहिए। परंपराएं वही अपनानी चाहिए जो न्याय के अनुकूल और समय के अनुरूप हो। हमारे राष्ट्र में गुलामी के समय में इस तरह की बहुत सी बातें कही गई और मान लीजिए सही भी थी, तो विगत में क्या हुआ है उसको लेकर के यदि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप जिंदगी भर सिर्फ परेशान रहेंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को देख करके यदि आप अपनी योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे और सुखी भी होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि बिना मतलब की विगत की कहानियों को लेकर के, विगत के मिथकों को लेकर के, विगत की मान्यताओं को लेकर के आज भी अपने को दीनहीन कहना और पुकारना बंद करें। और आज जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, हमारा भारतीय संविधान लागू है जिसमें सबको समान अवसर और समानता का अधिकार है, कुछ लोगों को तो विशेष तौर पर विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, उनको चाहिए कि अपने विशेषाधिकारों का सदुपयोग करें, अन्यथा कोई भी विशेषाधिकार यदि दुरुपयोग आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके हाथ से चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।